नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। 7 अक्टूबर से इसराइल का नक्शा, वहां के लोगों की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। हमास के हमलों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। महिला और बच्चों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। माँ बाप के सामने उनकी 18 साल की बच्ची को मार दिया गया, फिर अन्य भाई बहनों के साथ उनको बंदी बनाया गया, यातनाएं दी गई। लेकिन इसराइल का अब एक और दुश्मन पैदा हो गया है। हमास के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। हमास फिलिस्तीन तो हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह और हमास मध्य पूर्व के दो सबसे ताकतवर संगठन हैं, जो फिलिस्तीनी की आजादी के लिए इसराइल से लड़ रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठनों का एक ही मकसद है, वो है इसराइल का विनाश। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठन को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमास एक सुन्नी संगठन है तो हिजबुल्लाह शिया है। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा था, जबकि हमास की नींव 1920 में पड़ गई थी, लेकिन इसका गठन 1987 में हुआ था। एक और हिजबुल्लाह लेबनान में राजनीतिक और सैन्य संगठन के तौर पर काम कर चुका है। उसके नेता लेबनान में राजनीतिक फैसलों के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। हिजबुल्लाह सीक्रेट तरीके से काम करता है, जिसे उसके आंतरिक कामकाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब बात करते हैं दोनों संगठनों के नेताओं के बारे में। हमास के नेताओं की सबसे पहले बात करें तो इसमें इस्माइल हानिये सबसे पहले आता है। दोहा में निर्वासित जीवन जी रहा इस्माइल हानिये हमास का प्रमुख है। 1963 में गाजा पट्टी में रिफ्यूजी कैंप्स में उसका जन्म हुआ। 2006 में हानिये फिलिस्तीनी का प्रधानमंत्री बना। 2017 में खालिद मशाल के बाद हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख बन गया। फिर नाम आता है यावह सिनवर का। ये गाजा पट्टी में हमास का प्रमुख है। हमास के मिलिट्री विंग इज अद्दीन अल कसम ब्रिगेड का यह सह संस्थापक था। 1988 में इसराइल सरकार ने उसे गिरफ्तार किया। 2017 में सिनवर को गाजा पट्टी में हमास के नेताओं के रूप में चुना गया। फिर नाम आता है मोहम्मद डायफ का। हमास के मिलिट्री विंग का यह चीफ है। मोहम्मद डायफ इसराइल पर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। इसने ही इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की अगुवाई की थी। मोहम्मद डायफ साल 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख है। 1996 में हुए एक बम धमाके में 50 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए डायफ को जिम्मेदार बताया गया था। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह के नेताओं के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है हसन नरसल्लाह का। 1992 से हसन नरसल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव है। 63 वर्षीय नरसल्लाह अब लेबनान का बड़ा राजनेता है। पूर्वी बेरूत में पला बढ़ा नरसल्लाह ने कम उम्र में ही इस्लाम की बारीकी से पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर नाम आता है शेख नईम कासिम। कासिम हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। उसे हिजबुल्लाह का दूसरा कमांडर माना जाता है। कासिम उन लोगों में है जिसने 1980 के दशक में पार्टी की स्थापना की थी और 1992 से सेकेंड इन कमांड है। कासिम कश्मीरी आतंकवादियों का भी समर्थन कर चुका है। अब नाम आता है हाशिम साफी अल दिन का। अल दिन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। अल दिन ने हाल ही में अमेरिका और इसराइल को चेतावनी दी थी। नरसल्लाह के बाद अल दिन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जा सकती है। अब बात करते हैं हमास और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता के बारे में। हिजबुल्लाह इसराइल के उत्तर में है तो हमास गाजा पट्टी पर एक्टिव है। इनके पास रॉकेट मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार हैं। हिजबुल्लाह के पास किसी देश की सेना के बराबर क्षमता है। हिजबुल्लाह के जखीरे में कत्यूशा रॉकेट, फतेह 110 जैसी मध्यम दूरी और जलजल और स्कैडी जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हमास ने सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उसके लड़ाकों और हथियारों को गाजा के आसपास जाने देता है, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हमास के पास भी रॉकेट है, मिसाइल है, मोर्टार का बड़ा जखीरा है। उसके बेड़े में कसम, ग्रैंड और M75 रॉकेट शामिल है, जिनकी रेंज और पेलोड अलग अलग है। इजरायली टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए हमास एंटी आर्मर वेपन और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। ड्रोन के जरिए निगरानी भी करता है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा शक्तिशाली है। हिजबुल्लाह के पास बड़ी सेना है और इसराइल से लड़ने का अनुभव भी ज्यादा है। अब बात करते हैं इनके पास काम करने के तरीके क्या है उसके बारे में। हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला सेना है जो लेबनान से इसराइल के खिलाफ लड़ने में माहिर है। रिपीट, ये कई तरह की रणनीति का उपयोग करता है। हिजबुल्लाह को आत्मघाती हमलों के लिए भी जाना जाता है। हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को इजरायली सेना से करीबी मुकाबले के लिए छोटे और हल्के हथियारों के उपयोग करने के लिए ट्रेन कर चुका है। उन्हें एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग दी। हमास की जमीनी रणनीति भी हिजबुल्लाह जैसी ही है, लेकिन वो उतनी प्रभावी नहीं है।
हमास के लड़ाके हिजबुल्ला के लड़ाकों की तरह ट्रेन नहीं है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।